वेलकम बैक एनिमे फैंस, मैं हूं पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंटीकस्तान। और आज हम बात करने वाले हैं टेंचुरा के एक बहुत ही ज्यादा ओपी स्किल के बारे में, जो हमारे फेवरेट स्लाइम रिमुरु के पास है। हम बात करने वाले हैं सेज स्किल के बारे में और उसके एवोल्यूशन के बारे में। अगर आपको टेंचुरा के स्किल सिस्टम में इंटरेस्ट है या फिर आपको रिमुरु की ग्रोथ जर्नी को देखना पसंद है, देन यू आर इन फॉर अ ट्रीट। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेटेड एज अ स्लाइम के वर्ल्ड में हर री इनकारनेटेड पर्सन को एक तरह की स्किल्स मिलती हैं जब वो इस नए वर्ल्ड में आते हैं। गिल्ड मास्टर युकी कागुराजाका, हीरो मासायुकी होंजो और होली नाइट हिनाता साकाजुकी जैसे कुछ लोग अपने री इनकारनेशन के टाइम पे यूनिक स्किल से ब्लेस्ड हुए थे। और रिमुरु के लिए ये स्किल है जो ग्रेट सेज के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले उसे सेज स्किल मिली थी जो कि इंस्टेंटली ग्रेट सेज में इवॉल्व हो गई थी। तो सबसे पहले है सेज स्किल। सेज एक पैसिव एक्स्ट्रा स्किल है जो कि एनालाइजिंग के लिए यूज़ की जाती है। एबिलिटीज़ की बात करें तो ये यूज़र को अपनी थॉट प्रोसेस को एक्सेलरेट करने और कम्प्रिहेंशन बूस्ट प्रोवाइड करने की एबिलिटी देता है। इसके टाइप की बात करें तो ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्किल है। नॉन यूजर्स की बात करें तो इसे रिमुरु के अलावा गेल्ड और गोप्ता ने यूज़ किया है। नेक्स्ट अप इज ग्रेट सेज। ग्रेट सेज उन कुछ स्किल्स में से एक है जो सिर्फ स्पीच कैपेबिलिटी ही नहीं रखती बल्कि अपनी एक अवेयरनेस भी रखती है। वैसे तो ये लिमिटेड रिस्पॉन्सेस ही दे सकती है और इसमें एक सर्टेन लेवल की अवेयरनेस होती है, लेकिन अब तक इसने फुली फंक्शनल कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं किया है। इसको एक तरह से अर्ली वर्जन की AI लैंग्वेज मॉडल की तरह समझो, जैसे कि ChatGPT। और बिल्कुल ChatGPT की तरह ही रिमुरु ग्रेट सेज को हर तरह के काम के लिए यूज़ करता है, चाहे वो डिफ़िकल्ट टेरेन में नेविगेट करना हो या उसकी दूसरी स्किल्स की इफ़ेक्टिवनेस मैक्सिमाइज करना हो। ग्रेट सेज एक लॉयल असिस्टेंट की तरह है जो रिमुरु को हर काम में मदद करती है। इसके अलावा बाकी स्किल्स जो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट की जा सकती हैं, उनके अपोजिट ग्रेट सेज हमेशा एक्टिव रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेट सेज बिल्कुल या बहुत कम माना कंज्यूम करती है, क्योंकि जब भी ये एनालाइज करती है या बैकग्राउंड में सपोर्ट देती है तो रिमुरु को कभी भी इसकी नॉन स्टॉप यूज़ का कोई एडवर्स इफेक्ट फील नहीं होता। ये एक और रीज़न है कि ये स्किल इतनी पावरफुल और वर्सेटाइल है। इसके टाइप की बात करें तो ये एक यूनिक स्किल है। एबिलिटीज़ की बात करें तो ग्रेट सेज के कुछ सब स्किल्स हैं, जैसे कि थॉट एक्सेलरेशन, एनालिटिकल अप्रेजल, पैरेलल कैलकुलेशन, चैंट एनलमेंट, ऑल ऑफ क्रिएशन, एनालिसिस जिससे एब्जॉर्ब टारगेट को स्टडी और एनालाइज किया जाता है, क्राफ्टेबल आइटम्स को फिर प्रोड्यूस किया जा सकता है, अगर रिक्वायर्ड मटेरियल्स अवेलेबल हो तो डुप्लीकेट्स भी बनाए जा सकते हैं। अगर कोई स्किल या मैजिक का एनालिसिस सक्सेसफुली हो जाता है तो वही टेक्निक एक्वायर भी की जा सकती है। ये एबिलिटी पहले यूनिक स्किल प्रीडेटर का पार्ट थी जो बाद में ग्रेट सेज में ट्रांसफर हो गई जब प्रीडेटर इवॉल्व होकर यूनिक स्किल ग्लटनी बन गई। नॉन यूजर्स की बात करें तो रिमुरु के अलावा शिनशा ने भी इसे यूज़ किया है। नेक्स्ट अप इज राफायल। तो अब बात करते हैं राफायल की। रिमुरु टेम्पेस्ट के पास काफ़ी यूनिक और पावरफुल स्किल्स हैं जो उसके हर एस्पेक्ट में मदद करते हैं, चाहे वो बैटल हो या डे टू डे सिचुएशंस। पहले एक सिंपल स्किल के थ्रू वो अपनी बॉडी का शेप बदल सकता था, फिर एक ऐसी स्किल मिली जो उसे किसी भी चीज़ को डिवावर करने की पावर देती है। टाइम के साथ रिमुरु ने बहुत सारी स्किल्स एक्वायर की हैं जो उसकी स्ट्रेंथ को काफ़ी एनहेंस करती हैं। इन्हीं स्किल्स में से एक है अल्टीमेट स्किल राफायल। जब हम रिमुरु के आर्सेनल को देखते हैं तो पता चलता है कि उसके पास काफ़ी सारी पावरफुल स्किल्स हैं, लेकिन राफायल वो स्किल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। लेकिन एक चीज़ जो लोग शायद नहीं समझते वो ये है कि राफायल सिर्फ एक रैंडम स्किल नहीं है बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी है। राफायल रिमुरु टेम्पेस्ट के अल्टीमेट स्किल्स में से एक है। ये स्किल इवॉल्व हुई थी उसके यूनिक स्किल वाइज वन से जब रिमुरु ने अपना हार्वेस्ट फेस्टिवल कम्प्लीट किया था। काफ़ी बार इवॉल्व होने की कोशिश करने के बाद राफायल अपने फाइनल फॉर्म में आई जब उसने अपने एक और यूनिक स्किल डिजनरेट को सेक्रीफाइस कर दिया। इसके टाइप की बात करें तो ये एक अल्टीमेट स्किल है जो बेसिकली दुनिया के रूल्स और लॉस को मैनेज करने में स्पेशलाइज्ड है और सपोर्ट एंड स्किल्स की अल्टरेशन के लिए यूज़ होती है। एबिलिटीज़ की बात करें तो राफायल की कोर एबिलिटी है वर्ल्ड के लॉस को समझना और मैनिपुलेट करना,
और सपोर्ट और स्किल्स अल्टरेशन में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। इसके अंदर कई सब स्किल्स आती हैं जो राफ़ाइल को इतना पावरफुल बनाती हैं। उन सब स्किल्स में हैं थॉट एक्सेलरेशन, एनालिटिकल अप्रेजल, पैरेलल कैलकुलेशन, चेंट एनलमेंट, ऑल ऑफ क्रिएशन, अल्टरेशन, और एक और स्पेशल एबिलिटी है जो राफ़ाइल को डीजनरेट से मिली थी और वो है सिंथेसाइज या सेपरेट। ये स्किल यूज़ करने वाले को दो चीज़ों को मर्ज या सेपरेट करने की पावर मिलती है, यानी कि वो कुछ भी मिला सकता है या किसी भी चीज़ को बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ सकता है। इससे रिलेटेड आर्ट्स हैं स्किल गिफ्ट, किसी को भी स्किल देने की एबिलिटी। नोन यूज़र्स की बात करें तो राफ़ाइल को सबसे पहले वेल्डनावा ने क्रिएट किया था और आगे चल के हमने देखा कि रिमुरु इसे रेगुलरली यूज़ करता है। इस स्किल के थ्रू रिमुरु अपनी इंटेलिजेंस और पावर को नेक्स्ट लेवल तक ले गया, जो उसे एक गॉड लाइक एंटिटी बनाता है। नेक्स्ट अप इज सीएल। सीएल का कैरेक्टर इंट्रिंसिकली लिंक्ड है रिमुरु टेम्पेस्ट के साथ और वो कम्प्लीटली उसके सोल में इंटीग्रेटेड है। उन दोनों का बॉन्ड एक लाइफ पार्टनर जैसा है, जहाँ सीएल हमेशा रिमुरु के लिए और ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करती है, क्योंकि रिमुरु ही उसका इकलौता मास्टर है। सीएल की ओरिजिन रिमुरु के डीप सीटेड डिज़ायर फॉर कंपेनियनशिप से जुड़ा हुआ है और ये तब मेटेरियलाइज हुआ जब रिमुरु की डेथ के बाद उसका रीइंकार्नेशन हुआ। उस वक्त रिमुरु ने यूनिक स्किल ग्रेट सेज एक्वायर किया था, जो कि इनिशियली थोड़ी लिमिटेड कॉन्शियसनेस रखती थी। जैसे जैसे रिमुरु का सफ़र आगे बढ़ता गया और वो और पावरफुल बनता गया, वैसे वैसे ग्रेट सेज के अंदर का लेटेंट ईगो भी इवॉल्व होता गया और उसकी एबिलिटीज़ बढ़ गईं रिमुरु को सपोर्ट करने के लिए। सीएल का फॉर्म जो राफ़ाइल को नाम देने के बाद इवॉल्व हुआ था, एक तरह से राफ़ाइल में रहने वाला ईगो है। वेब सीरियल वर्जन में ये एवोल्यूशन तब हुआ जब ग्रेट वॉर ऑफ द हेवनली डीमन के लिए प्रिपरेशन हो रही थी, लेकिन बुक वर्जन में ये तब हुआ जब रिमुरु वर्सेस डोमिनेटेड वेल्डोरा और वेलग्रीन के बीच वॉर चल रही थी। रिमुरु हमेशा राफ़ाइल को नाम देना चाहता था क्योंकि उसको सिर्फ राफ़ाइल या टीचर बुलाना उसके लिए थोड़ा गलत लगता था, लेकिन जब सीएल को नाम दिया गया तो वो डीपली मूव्ड हुआ और इमोशन से भर गया। सीएल का बिहेवियर अब राफ़ाइल से बिल्कुल अलग हो चुका है। पहले राफ़ाइल सिर्फ कैलकुलेशंस और प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे काम करती थी, लेकिन सीएल बनने के बाद उसने इमोशंस को भी एक्सेप्ट कर लिया और अब वो अपनी कैलकुलेशंस पे इतना श्योर नहीं रहती जितना पहले थी। सीएल के बोलने का तरीका और रिएक्शंस भी काफ़ी बदल गए हैं। वो अब ओपनली साय, कंप्लेन या एडमायर नहीं करता, लेकिन रिमुरु के वर्ड्स पे काफ़ी इमोशन दिखाता है। सीएल के अंदर इमोशंस आने के बाद उसने रिमुरु को अपने मन में आइडलाइज कर लिया है। वो प्राउड होता है ये सोचकर कि रिमुरु के सो कॉल्ड थॉटलेस एक्शंस ने उसके फ्यूचर को परफेक्टली गाइड किया। जब फाइनल बॉस माइकल का रिवील होता है तो पता चलता है कि उसके पास एंजेलिक स्किल्स होल्डर्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। इस थ्रेट के वजह से रिमुरु ने राफ़ाइल को नाम दिया और सीएल ने राफ़ाइल, यूरियल और रेगुएल को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि और स्किल्स इवॉल्व हो सकें। ये एक्ट सीएल की सर्वाइवल पॉसिबिलिटीज़ को काफ़ी इन्हेंस कर देता है और फाइनली बैटल ऑफ हेवनली डीमन के बाद सीएल ने माइकल की एबिलिटीज़ को प्रे करके एब्जॉर्ब कर लिया, जो उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। तो गाइज, ये थी डिटेल जर्नी रिमुरु के सेज स्किल के एवोल्यूशन की, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेट सेज टू विजडम किंग राफ़ाइल एंड फाइनली टू सीएल। इस जर्नी में हम देखते हैं कैसे एक बेसिक स्लाइम स्लोली ग्रो करता है और अपनी एबिलिटीज़ को गॉड टियर लेवल तक ले जाता है। रिमुरु का ये ट्रांसफॉर्मेशन और उसके स्किल्स का एवोल्यूशन एनिमे और लाइट नॉवल का एक मेन हाईलाइट है। अब नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा मोमेंट था जो आपके लिए सबसे एपिक लगा रिमुरु की जर्नी में। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और अगर आप अपने किसी टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपना कंटेंट सजेस्ट कर दें। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियोस जल्द से जल्द लाने का। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।